हेलो गाइस, सो ये अभी हमारा तीसरा लेक्चर है। ये लास्ट लेक्चर में जो हम देख रहे थे वो था पीएच कैलकुलेशन, और ये होगा उसका सेकंड पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन पीएच निकालना, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालना है, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालना है, मिक्सचर का पीएच कैसे निकालना है। दो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमने मिला दिया या दो स्ट्रॉन्ग बेस हमने मिला दिया, अगर मिक्सचर है तो फिर उसका पीएच कैसे निकालना है, ये चार कैटेगरी हमने देख लिया था। आज जो हम देखेंगे वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को मिला दिया तो फिर हमें क्या करना होगा। फोर्थ कैटेगरी था, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी था जहां पर हमने दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिलाया था या फिर हम दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया था। अगर एसिड एसिड के अंदर मिलता है तो N1V1 प्लस N2V2 अपॉन N1 प्लस N2, इस तरह से हम फाइनल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। अगर दो बेस को मिलाते हैं तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है हमें, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। तो एसिड को ऐड करने पे या बेस को ऐड करने पे हम पहले नेट या फिर टोटल कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं H प्लस का या फिर OH माइनस का, और फिर pH निकालते हैं। मगर मान लीजिए अगर एसिड और बेस एक साथ मिला दिया और फिर फाइनल सॉल्यूशन का पीएच पूछा है तो फिर हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें पहले यह देखना होगा कि ज्यादा क्या है। अगर एसिड ज्यादा है, एसिड और बेस हमने मिला दिया, तो पहले तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वॉटर बना देगा। मगर मान लीजिए कुछ अगर आपने ज्यादा डाल दिया है, अगर आपने दोनों एग्जैक्ट अमाउंट में डाला होगा तो पूरा का पूरा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना देगा, फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो फाइनल सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। मगर मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि ज्यादा जो है वो एसिड ज्यादा है, तो अगर एसिड ज्यादा है तो फिर बचा हुआ एसिड की वजह से आपको फाइनल सॉल्यूशन का पीएच मिलेगा। अगर बेस ज्यादा है तो बचे हुए OH माइनस की वजह से आपको फाइनल पीएच मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको पीएच कैसे कैलकुलेट करना है वो हम आज देखेंगे। तो फिफ्थ कैटेगरी जो है वो हम देख रहे हैं जहां पे पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये फिफ्थ कैटेगरी आज हम देखेंगे और आज कोशिश करेंगे ये सारे कैटेगरी आज खत्म कर दे। तो हमें फिफ्थ कैटेगरी देखना है और फिफ्थ कैटेगरी के अंदर सबसे पहले जो समझना होगा वो है कि आपको ये पहचानना होगा कि ज्यादा क्या है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि हमने एसिड डाला है और एसिड जो है उसकी नॉर्मलिटी है N1 और उसका वॉल्यूम है V1, और हमने उसके अंदर बेस डाल दिया है, उसकी नॉर्मलिटी है N2 और उसका वॉल्यूम है V2। एसिड हमने N1 और V1 डाला और बेस हमने N2 और V2 डाला, फाइनल सॉल्यूशन का पीएच पूछ लिया। तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा बनेगा। मान लीजिए मैं कहता हूं कि एसिड आपने ज्यादा डाल दिया, अब कैसे पता लगेगा ज्यादा क्या है। तो सबसे पहले N1V1 अगर ग्रेटर देन N2V2 होगा तो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा, फाइनल सॉल्यूशन वो एसिडिक होगा। अगर N2V2 इज ग्रेटर देन N1V1 है तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा। तो आपको N into V फाइंड करना होगा। एसिड के लिए N into V फाइंड करिए, बेस के लिए N into V फाइंड करिए और देखिए ज्यादा क्या है। अगर एसिड ज्यादा होगा तो फाइनल सॉल्यूशन आपका एसिडिक हो जाएगा, अगर बेस ज्यादा होगा तो फाइनल सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा। अगर एसिड ज्यादा है तो एसिड ज्यादा है तो फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस का मिलेगा आपको। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस में लिख सकता हूं ज्यादा में से कम को माइनस करना है। एसिड ज्यादा था तो ज्यादा में से कम को माइनस करोगे, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 मतलब कि फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ हमें मिल गया, H+ मिल गया तो हम pH निकाल लेंगे, pH हो जाएगा माइनस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। तो इस तरीके से हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ज्यादा क्या है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं बेस ज्यादा है, N2V2 ज्यादा था, तो बेस ज्यादा है तो हमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। ज्यादा में से कम को माइनस करना होता है, ये याद रखिएगा। तो अगर बेस ज्यादा है तो N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2।
ये जाएगा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं, जब हम पहले तो pOH निकालेंगे, pOH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, एक बार pOH मिल गया तो pH निकालने के लिए हम कर देंगे इसको 14 माइनस pOH। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, अगर एसिड और बेस मिला दिया तो फिर हम pH निकाल सकते हैं। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि पहले ज्यादा क्या आपने डाला है, ये हो गया आपका फिफ्थ कैटेगरी। तो कुछ सवाल करते हैं। अब जो सवाल है वो सवाल थोड़ा सा अच्छा कैटेगरी का सवाल है ये, और इसको समझिएगा। काफी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर थोड़े से सवाल ज्यादा लीजिए, ज्यादा सवाल भी लेंगे और सॉल्व करने के लिए उनको सवाल चाहिए थे। हम कोशिश करेंगे, एक मिनट, सवाल लेंगे हम, पर सवाल से पहले एक चीज सुनिएगा। काफी स्टूडेंट कह रहे थे सर हमारा मटेरियल, हम जो है वो जहां पे लाते हैं हम थे वहां पे छोड़ दिए, हमारे पास काफी मटेरियल कम है तो क्वेश्चन हमें ज्यादा दीजिए। तो हम एक काम करेंगे, हम आगे से जो भी वीडियोज हम अपलोड करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में हम कुछ मटेरियल जो आप घर पे बैठ के डाउनलोड करके सॉल्व कर पाओ वैसे कुछ मटेरियल हम अपलोड कर देंगे। और आपको कौन सा मटेरियल चाहिए या कौन से चैप्टर का मटेरियल चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। तो क्या होगा कि वो मटेरियल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। तो जो भी मटेरियल आपको एस लगता है जैसे ये मटेरियल हमें चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, ये चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए, वो कह दीजिए तो वो हम कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक डाल देंगे और आप फिर उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उस तरीके से अगर मटेरियल की अगर आपको आपके पास मटेरियल नहीं है, आप अपने जहां पे रहते थे वहां पे आपने छोड़ दिए, घर पे नहीं लेके आ गए, तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। दूसरी एक और चीज, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे आप टिक कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा जो भी हम नए वीडियो लेक्चर इसके अंदर डालेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा। आपको जैसे ही हम यहां पर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अप टू डेट रह सकते हो। चलिए तो सवाल लेते हैं। सवाल है हमारे पास जहां पर हम एसिड और बेस दोनों को मिला रहे, सवाल है फाइन पीएच। सवाल बहुत ईजी है, फाइन पीएच, मगर किसका बोला गया है, फाइन पीएच ऑफ मिक्सचर, और मिक्सचर बोला गया है 400 ml, 1/200 मोलार BaOH ट्वाइस प्लस 400 ml 1/50 molar HCl प्लस 200 ml ऑफ वॉटर। अब इस चीज को समझिएगा, आपने आपको पीएच ढूंढना है और पीएच में आपने क्या किया, एक बेस डाल दिया है BaOH ट्वाइस जिसकी रिप्लेसेबल OH माइनस आयन जो है वो है 2, मतलब कैन फैक्टर हो गया इसका 2, और उसके वॉल्यूम दिया हुआ है 400 ml और उसकी मोलैरिटी दी गई है 1/200, और ऐसे आपने डाल दिया है वो भी है 400 ml और उसकी मोलैरिटी दी गई है 1/50, और उसके अंदर आपने 200 ml पानी भी डाल दिया। फाइनल सोल्यूशन का पीएच ढूंढना है। तो सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि ज्यादा क्या है, ये समझिएगा हमेशा, ज्यादा जो होगा उसके रिस्पेक्ट में फाइनल सोल्यूशन का पीएच मिलेगा। अगर ज्यादा एसिड डाला है तो फाइनल सोल्यूशन एसिडिक होगा, ज्यादा अगर बेस डाला है तो फाइनल सोल्यूशन बेसिक होगा। ज्यादा क्या है वो कैसे पता लगेगा, तो एन इंटू वी करना है। अब एन के लिए नॉर्मलिटी सबसे पहले हम ढूंढ लीजिए BaOH ट्वाइस के लिए, BaOH ट्वाइस की नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मलिटी ऑफ BaOH ट्वाइस ये जो मोलैरिटी है 1/200 इंटू एन फैक्टर है 2, मतलब कि हो जाएगा 1/100 नॉर्मल। उसी तरीके से HCl की नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी ऑफ HCl ये हो जाएगा नॉर्मलिटी हो जाएगी मोलैरिटी के ही बराबर, मतलब कि 1/50 नॉर्मल। HCl का n फैक्टर जो है वो 1 है तो उसकी मोलैरिटी नॉर्मलिटी दोनों एक ही हो जाएगी। अब BaOH ट्वाइस के लिए n इंटू वी करेंगे तो उसका नॉर्मलिटी है 1/100 और उसका वॉल्यूम है 400, मतलब कि 4 आ गया। HCl के लिए n इंटू वी करेंगे, HCl की नॉर्मलिटी है 1/50 इंटू वॉल्यूम है उसका भी 400, तो ये 8 हो गया। अब देख सकते हो HCl ज्यादा है,
HCl ज्यादा है मतलब आपकी फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा, ज्यादा में से कम को माइनस करिए H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ हो जाएगा हमारे पास N1V1 जो एसिड का है माइनस N2V2 जो बेस का है अपॉन V1 प्लस V2, तो यहां से मिल जाएगा 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 400 800 ml प्लस यहां पे V3 भी करना पड़ेगा। ये V3 क्या है, ये V3 है H2O जो आपने डाला था वो, तो 400 प्लस 400 800 800 प्लस 200 ml आपने पानी डाला था, मतलब टोटल सॉल्यूशन जो है वो है 1000 ml, तो 1000 ml मतलब कि हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब कि हो जाएगा 4 into 10 to the power minus 3। आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, pH हो जाएगा आपके पास माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लॉग ऑफ 4 into 10 to the power minus 3, यहां से हम pH लिख सकते हैं, वो जाएगा 3 माइनस 2 log 2 log 4, log 4 मतलब कि 2 का स्क्वायर 2 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 into log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0.3 into 2 0.6, 0.6 मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास 2.4, तो हमारे पास pH मिल गया ये हो जाएगा 2.4, ये 2.4 में pH मिल गया, ये हो गया जहां पे हमने एसिड और बेस दोनों को मिला दिया था। एक और सवाल करते हैं इसकी इसी टॉपिक पे, जहां पे बोला गया है आपने HCl डाला है, HCl आपने डाला है वो है 150 ml जिसका pH है 2, और उसके अंदर आपने NaOH डाला है, NaOH आपने डाला है वो भी है 150 ml जिसका pH है 12, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो फाइनल सॉल्यूशन का पीएच पूछा गया है, फाइनल सॉल्यूशन जो होगा उसका पीएच पूछा गया है। अब ध्यान से इसको समझिएगा, HCl जो है HCl का वॉल्यूम है 150 ml और उसका पीएच है 2, NaOH है उसका भी वॉल्यूम है 150 ml उसका पीएच है 12, अगर पीएच 12 तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, नॉर्मलिटी निकाल लो, नॉर्मलिटी कैसे मिलेगी, आप इसको लॉजिकली सोच सकते थे pH 12 हो गया तो इसका pH देखिएगा ध्यान से, HCl HCl 150 ml है, pH है 2 मतलब कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10 to the power minus 2, NaOH है 150 ml इसका pH है 12 मतलब कि pOH ये हो जाएगा 14 minus pH मतलब कि 14 minus 12 तो इसका pOH हो जाएगा 2, pOH 2 हो गया तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन भी हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2। अब देखिए H+ का कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 2 और उसका वॉल्यूम है 150 ml, OH- का कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 2 और उसका भी वॉल्यूम है 150 ml, एसिड और बेस दोनों इक्वल अमाउंट में डाला, अगर आपने सेम प्रोपोर्शन में डाला है तो एसिड पूरा का पूरा एसिड पूरे के पूरे बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना देगा, फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन, पीएच हो जाएगा 7, तो इस कंडीशन में यहां पे पीएच जो हो जाएगा, पीएच हो जाएगा आपका 7 न्यूट्रल। मगर मान लीजिए इसी सवाल में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, HCl जो है वो HCl हमने डाला है 150 ml और उसका पीएच है 2, मगर हमने NaOH डाला है वो 150 की जगह हमने डाल दिया है 350 ml, 350 ml हमने डाल दिया है और 350 ml डालने पे उसका pH जो है वो है 12। अब pH पूछा है pH ऑफ मिक्सचर, और देख सकते हो यहां पे हमने बेस ज्यादा डाला है, अगर बेस हमने ज्यादा डाल दिया तो फाइनल सॉल्यूशन बेसिक होगा, फाइनल सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो आपको वही करना है जो भी हम करते हैं, ज्यादा में से कम को माइनस करिए, फाइनल सॉल्यूशन बेसिक है तो पहले OH- का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, तो पहले निकालते हम, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, तो सबसे पहले हम नॉर्मलिटी निकाल रहे हैं, HCl की नॉर्मलिटी हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 2, NaOH की नॉर्मलिटी हो जाएगी वो भी हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 2। अब NaOH की 10 टू पावर माइनस 2 कैसे नॉर्मलिटी मिली तो वो बता देता हूं मैं आपको, pH है 12 तो pOH हो जाएगा 2, pOH हो जाएगा तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 2, तो इस तरीके से हमें NaOH का भी नॉर्मलिटी मिल गई।
वॉल्यूम जो है वो NaOH का ज्यादा है, मतलब आपने ज्यादा बेस डाला हुआ है, तो सबसे पहले OH माइनस का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा फाइनल वो निकाल लीजिए, ज्यादा में से कम को माइनस करिए, तो जो वॉल्यूम है 350 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 350 प्लस 150 टोटल हो जाएगा 500 ml, तो डिवाइडेड बाई 500 ml, तो ये हो जाएगा हमारे पास 350 माइनस 150, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 500, ये कैंसिल हो गया, तो 2 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2 बाई 5 को लिख सकते हैं हम 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, मतलब कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अब pH निकालेंगे, पहले pH हो जाएगा आपका माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ये रहा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गया। अब तो माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सॉल्व करेंगे इसको, तो ये जाएगा 3 माइनस लॉग 4 की वैल्यू 0.6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.4, तो pH पूछा है, ये pOH है 2.4, pH हो जाएगा 14 माइनस 2.4, मतलब कि हो जाएगा हमारे पास 11.6, आ गया आंसर हमारे पास। अब ये सवाल समझिएगा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जो है इसके अंदर आपको समझना होगा ज्यादा में से कम को हमने माइनस किया है, ज्यादा में से कम को माइनस किया है, बेस ज्यादा था एसिड कम था, तो फाइनल सॉल्यूशन बेसिक मिलता है, फाइनल मोलारिटी जो है या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो OH माइनस का मिलेगा आपको, क्योंकि बेस ज्यादा है, और फिर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन से pOH निकाला और pOH से हमने pH निकाल लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको एक बार खुद ट्राई करिएगा, वापस एक बार दो बार तीन बार ट्राई करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं, और नेक्स्ट कैटेगरी कौन सा देख लेते हैं अभी, नेक्स्ट कैटेगरी जो है आपका सिक्स्थ कैटेगरी, वो सिक्स्थ कैटेगरी है पीएच ऑफ वीक एसिड, पीएच ऑफ वीक एसिड, ये अब बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। वीक एसिड के पीएच के लिए सीधा सा फॉर्मूला है आपके पास, आप ऑस्टर डाइल्यूशन लॉ भी देखते हो तो वो भी देखेंगे हम, और वीक एसिड के लिए क्या करते हैं, तो मान लीजिए जो सिक्स्थ कैटेगरी है उसके लिए हम देखेंगे वीक एसिड का पीएच, वीक एसिड, सिर्फ वीक एसिड दिया कुछ और नहीं दिया, ये समझ लीजिएगा सिर्फ वीक एसिड दिया और कुछ नहीं दिया, तो वीक एसिड का पीएच पूछा है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए वीक एसिड हमारे पास एचए, एचए जो है वीक एसिड, वीक एसिड है तो वो पूरा डिसोसिएट नहीं होता, वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है, ये याद रखिएगा, वीक एसिड जो है वो पूरा डिसोसिएट नहीं होता, वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है, तो वीक एसिड है एचए, एचए जो है वो एच प्लस देगा प्लस ए माइनस देगा, मान लीजिए इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है सी, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, ये हो जाएगा सी माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स, ये भी हो जाएगा एक्स। अब अगर मैं इसको अल्फा के टर्म्स में लिखता हूं तो एक्स की वैल्यू जो होती है उस, अल्फा मतलब कि क्या, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि एक में से कितना डिसोसिएट हो रहा है वो, जब मैं अल्फा बोलता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब मैं बोलता हूं मतलब कि एक में से इतना पार्ट डिसोसिएट हुआ वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो अगर मान लीजिए एक में से जो डिसोसिएट हो रहा है वो है अल्फा, एक में से जो डिसोसिएट हो रहा है वो है अल्फा, सी में से, सी क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सी में से कितना पार्ट डिसोसिएट हो गया वो है एक्स, एक्स रिएक्ट हो गया, सी में से एक्स रिएक्ट हो गया, एक में से जो डिसोसिएट हुआ रिएक्ट हुआ वो है अल्फा, सी में से जो रिएक्ट हुआ वो है एक्स, तो एक्स को हम लिख सकते हैं सी इंटू अल्फा, तो यहां से ये सी अल्फा आता है, जिसको नहीं पता उसके लिए हमने लिखा हुआ, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जगह सी माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये भी सी अल्फा, एक्स की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहां से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिखेंगे वी एसिड के लिए के ए, वो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए, दैट इज इक्वल टू ये जाएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी, कॉमन ले लिया वन माइनस अल्फा ले लिया, सी सी कैंसिल हो गया, यहां पर हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ये होता है के ए की वैल्यू। अब यहां पे ध्यान से एक चीज समझनी होगी, ये जो 1 माइनस अल्फा है इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, कब, जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 है, तब 0.1 मतलब कि परसेंटेज अल्फा क्या है, ऑलमोस्ट लेस देन 10%,
जब अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम है, मतलब कि परसेंटेज अल्फा की वैल्यू 10% से कम है, तब ये अप्रोक्सीमेशन चल जाता है। तो 1 अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेंगे, तो यहां से हमें फॉर्मूला मिल जाता है, के हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, के ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा मिल जाता है हमें रूट ऑफ के ए बाई सी। अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाती है रूट ऑफ के ए बाई सी। अल्फा मिल गया, मगर हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है एच प्लस, हमें एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो एच प्लस क्या हो जाएगा, एच प्लस क्या था यहां पर देख लीजिएगा, एच प्लस ये रहा सी इंटू अल्फा। सी इंटू अल्फा मतलब कि एच प्लस हो जाएगा हमारे पास सी इंटू अल्फा, दैट इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा की वैल्यू ये रही रूट ऑफ के ए बाई सी। सी अंदर गया तो सी स्क्वायर हो गया, एक एक सी कैंसिल, तो यहां से मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के ए इंटू सी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या हो जाएगा रूट ऑफ के ए इंटू सी, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। दो तरफ लॉग ले लिया तो यहां से फॉर्मूला मिल जाएगा, पीएच हो जाएगा माइनस लॉग ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा पीएच हो जाएगा पी के ए बाय टू माइनस लॉग सी बाय टू, ये हो जाएगा वीक एसिड के लिए पीएच। ये फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास पीएच हो जाएगा पी के ए बाय टू माइनस लॉग सी बाय टू, ये हो गया वीक एसिड का पीएच। अब ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है रूट ऑफ के ए इंटू सी, रूट ऑफ के ए इंटू सी। ये कब होता है, जब जब सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड हमने रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमने वीक एसिड रखा हुआ है, तब हो जाएगा ये एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा रूट के ए इंटू सी। और ये तभी होता है जब अल्फा की वैल्यू किससे कम है, 0.1 से कम है, परसेंटेज अल्फा किससे कम है 10% से कम है, तब ये वैल्यू हमें मिलता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक सवाल पूछता हूं, बहुत इजी सवाल है, ये बोला गया है फाइंड पीएच, पीएच पूछा है, और पीएच किसका पूछा है, पीएच आपको पूछा है एसिडिक एसिड CH3COOH, एसिडिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है 10^-1 मोलार, और उसकी के ए की वैल्यू दी गई है 2×10^-3। आपको पीएच पूछा गया है, K की वैल्यू दी गई है आपको 10^-2×10^-5, K की वैल्यू दी गई है 2×10^-5। अब आपको बोला गया है फाइंड द पीएच, अभी पीएच कैसे मिलेगा, वीक एसिड है, अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको, तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस ले लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस क्या होता है, फॉर्मूला भी हमने देखा था रूट ऑफ के ए इंटू सी, ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा रूट ऑफ के इंटू सी, रूट ऑफ के की वैल्यू 2×10^-5 × 10^-1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2×10^-6 का स्क्वायर रूट, मतलब ये हो जाएगा रूट 2×10^-3। एच प्लस मिल गया, पीएच ढूंढना है, पीएच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ, पीएच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है माइनस लॉग ऑफ रूट 2×10^-3। यहां से पीएच में मिल जाएगा, हो जाएगा 3 - log √2, मतलब की माइनस लॉग 2^(1/2)/1/2 आगे आ गया, तो ये जाएगा 3 - 1/2 × log 2 की वैल्यू होती है 0.3 = 3 - 0.15, तो ये जाएगा 2.85। ये हमें पीएच मिल गया 2.85, ये हो गया वीक एसिड का पीएच। तो बहुत ही बेसिक सवाल है ये, सीधा सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन है ये। अब ये हमने एच प्लस का फॉर्मूला लगा के हमने किया था, अब डायरेक्ट पीएच वाला फॉर्मूला लगा के देखते, पीएच का फॉर्मूला क्या था, पी के ए बाय टू माइनस लॉग सी बाय टू, ये था फॉर्मूला हमारे पास, पी के ए बाय टू माइनस लॉग सी बाय टू। अब ये देखिएगा पीके ए, पीके कितना है, पहले पीके ढूंढना पड़ेगा, पीके ए वो होता है माइनस लॉग ऑफ के की वैल्यू, माइनस लॉग ऑफ के, के कितना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लॉग ऑफ 2×10^-5, तो ये हो जाएगा 5 - log 2 =
5 माइनस लॉग टू की वैल्यू 0.3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.7। तो पीके की वैल्यू है 4.7 हमारे पास। अब लॉग सी, तो यहां से हम पीएच निकाल लेंगे, पीएच हो जाएगा 4.7 बाई 2 माइनस लॉग सी, सी की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, माइनस 1 आगे आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, लॉग 10 की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 4.7 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, 2 कॉमन ले लिया तो जाएगा 3.7 बाई 2, 3.7 बाई 2 करेंगे हम, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा 4.7 बाई 2 माइनस लॉग सी, लॉग सी की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 बाई 2, तो ये जाएगा 4.7 बाई 2 माइनस लॉग 10 रेस टू माइनस 1, माइनस 1 आ गया तो प्लस 1 हो गया, प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन ले लिया तो ये जाएगा 5.7 डिवाइड बाई 2, 5.7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो आंसर हो जाएगा पीएच की वैल्यू हो जाएगी 2.85, पीएच हो जाएगा 2.85। ये हो जाएगा वीक एसिड का पीएच।